वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर आज आपका टॉपिक लेकर आया हूँ श्वसन तंत्र यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है श्वसन तंत्र। तो आइए हम श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तंत्र, तंत्र एक सिस्टम है। तंत्र क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम बोले तो एक अंग। इसके बारे में हम पूरा श्वसन के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण क्या है। कह रहा कि जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी हो, अगर हम बिना ऑक्सीजन के सांस ले सकते हैं नहीं, यानी जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी हो उसी को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। उसके बाद इसका अगला स्टेप क्या होता है? ऊर्जा और ऊष्मा। क्या होता है? ऊर्जा और ऊष्मा। तो देखिएगा, ऊर्जा अगर हम सांस लेते हैं तो ही हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है और साथ ही साथ ऊष्मा भी मिलती है। देखिए, हमारे शरीर में ऊष्मा मिलती है जिसके कारण हमारा शरीर क्या रहता है? गर्म रहता है। और ऊष्मा दो प्रकार से मिलती है, तो श्वसन से मिल भी करके यानी ऑक्सीजन से तो मिलती है, साथ ही साथ जो रक्त का परिसंचरण होता है, रक्त का जो ब्लड का फ्लोइंग होता है उससे भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा यानी ऊष्मा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन भी बंद हो जाता है और रक्त का परिसंचरण यानी रक्त का बहाव भी बंद हो जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसका शरीर क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं अपचय क्या है। अपचय कह रहा है क्या? अपचय मतलब होता है सांस लेने के बाद, देखिए कह रहा है कि किसी चीज को तोड़ देना, किसी चीज को तोड़ देना ही कैटाबोलिक यानी अपचय बोलता है। अब किसी चीज को जोड़ देना अनकैटाबोलिक कहता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे श्वसन अंग क्या है। श्वसन अंग के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिएगा, श्वसन अंग आखिर में क्या होता है? कह रहा है स्तनधारी, कीट, जलीय जीव, मेंढक, टेढ़ाहू, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो देखिएगा, श्वसन अंग स्तनधारी की पहले हम चर्चा करते हैं। स्तनधारी क्या होता है? आखिर में बहुत कंफ्यूजन होगा स्तनधारी क्या होता है। देखिएगा, स्तनधारी हम उसे बोल सकते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे ही हम स्तनधारी बोल सकते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मानव हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, सांप हो गया, इन सभी यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हो उसे क्या कहेंगे? स्तनधारी। क्या कहेंगे? स्तनधारी। जब हम लोग बच्चा थे तो सोचते थे, देखिए स्तनधारी जो होता है किससे लेता है सांस? श्वसन। किसकी? श्वसन अंग। स्तनधारी का क्या? तो फेफड़ा है। क्या? फेफड़ा है। लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तो क्या सोचते थे कि सांस कहाँ से लेते हैं? तो नाभिया से लेते हैं। कहाँ से? तो नाभिया से। फिर सोचते नाका भरकर यानी मुंह से ले रहे, फिर लगता था नहीं वो मुंह से ले रहे, फिर कभी कभी लगता है नाक मुंह यानी दोनों से ले रहे, नाक से ले रहे कि मुंह से ले, कन्फ्यूजन था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना तो नाक से ना तो मुंह से हम सांस, ये नाक और जो मुंह है हमें एक सांस लेने का द्वार यानी कि रास्ता है। क्या? एक मार्ग यानी एक रास्ता है। लेकिन जो सांस हम लोग लेते हैं कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से। कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से। कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। चलिए, जिसको हम लंग्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कीट, कीट होता है जो कीट पतंग यानी जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे फटिंगा उटिंगा जो होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं? तो उनमें क्या होता है? उसमें फेफड़ा नहीं होता। क्या होता है? फेफड़ा नहीं होता, श्वास नली होता है। क्या होता है? श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली। देखिएगा, श्वास नली को हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। तो देखिए, श्वास नली जो होता है ना डायरेक्ट यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ होता है, ये ना किधर इधर नहीं, सिर्फ वो डायरेक्ट यहाँ से वो डायरेक्ट यहीं से श्वास ले लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जलीय जीव क्या है। जलीय जीव, जलीय जीव क्या होता है? तो जलीय जीव हम बोलते हैं कि जलीय जीव होता है जो जल में रहते हैं, जैसे मछली, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम मछली को ले लेते हैं। देखिएगा, मछली जो होता है ना गिल्स यानी गलफरा, जो इसके दोनों साइड से लगा होता है ना गलफरा, वो उसी से सांस लेती है। क्या? उसी से सांस लेती है। तो देखिए, गलफरा जो है गुर्दुवर्ड है, इसका हिंदी होता है कलोम। हिंदी क्या होता है? कलोम। और इंग्लिश होता है गिल्स यानी जलीय जीव। जितने भी जलीय जीव होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं? तो गिल्स यानी फेफड़े, गिल्स यानी कि गलफरा से यानी कलोम से लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं मेंढक। देखिएगा, मेंढक जो होते हैं, मेंढक एक ऐसा जंतु है जो जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन के नीचे भी रहता है, यानी भूमि के नीचे भी ऐसा थोड़ा घुसा रहता है। मेंढक ऐसा चीज है। देखिएगा, तो मेंढक जो भूमि पर रहता है यानी जो मेंढक भूमि यानी जो जमीन पे रहता है वो कहाँ से सांस लेता है? तो फेफड़ा से लेता है। कहाँ से लेता है? फेफड़ा से लेता है। लेकिन जो भूमिगत यानी जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के यानी कि जो मिट्टी में ढेर से दब गए हैं या घुस गए हैं मिट्टी में, वो सांस कहाँ से लेता है? त्वचा से। कहाँ से लेता है? त्वचा से। वो अपने शरीर के बाहरी त्वचा से ही सांस ले लेते हैं और सांस छोड़ देते हैं। ठीक है,
और एक और देखिए टेढ़ा पुल, जब हम लोग बच्चे थे तो देखते थे पानी नहीं पड़ता था, बारिश होता था तो छोटा छोटा मछली नहीं रहता था, उसको हम लोग घर में लेकर आते थे और पोसते थे यानी पालते थे, और ससुरा बड़ा क्या बन जाता था, मेढक बन जाता था, इस तो मेढक है ठीक है। तो वही मेढक का जो बच्चा होता है उसको हम लोग टेढ़ा पुल बोलते, क्या बोलते हैं टेढ़ा पुल ठीक है। उसको वो कहाँ से साथ था, गिल्स में, क्योंकि पानी में जो रहता है वो कहाँ साथ लेता था, गिल्स में ठीक है। चलिए ये था आपका श्वसन अंग, यानी श्वसन अंग किस प्रकार से किस चीज का कहाँ पे होता है। उसके बाद हम आते हैं देखिएगा स्वच्छोवास, क्या होता है स्वच्छोवास यानी ब्रीथिंग, क्या होता है ब्रीथिंग, देखिएगा ब्रीथिंग देखिएगा यानी अंदर लेना और बाहर छोड़ना, जो हम सांस लेते हैं स्वच्छोवास क्रिया होती है, तो हम सांस लेते हैं तो उसमें अंदर भी लेते हैं, ऐसा थोड़ो क्या हम सिर्फ ले लिए इसे, ऐसा तो रहना नहीं, इसको छोड़ना भी है, ये अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं करें, सांस लेंगे भी और छोड़ेंगे, सांस लेना भी है छोड़ना भी। तो देखिए अंदर लेना को हम निश्वसन कहते हैं, क्या बोलते हैं निश्वसन, और बाहर छोड़ना को बोलते हैं निःश्वसन। ये जो देखिए बिंदु यानी संस्कृत का जो पाठ होता है इसको अ क्या पढ़ा जाता है, विसर्ग यानी अ, तो इसको पढ़ेंगे नी, देखिए निःश्वसन 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 निःश्वसन, यानी जो छोड़ने का क्रिया होता है वो क्या होता है निःश्वसन होता है। तो देखिए हम सांस लेंगे तो जो हमारे वायुमंडल में जो फैला है गैस जो भी है वही हम लेंगे, जितना परसेंट है वही लेंगे। तो देखिए N2 बोले तो नाइट्रोजन, N2 बोले तो नाइट्रोजन, तो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितना परसेंट है 78%, कितना 78%। तो हम नाइट्रोजन कितना लेते हैं अपने सांस के रूप में, श्वसन के रूप में नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं, तो 78%, तो कितना परसेंट 78%। आप ये देखते हैं, देखिए अब जितना ये हो गया ऑक्सीजन कितना लेते हैं भाई, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना परसेंट है पृथ्वी पर यानी वातावरण पर, तो 21%, कितना है 21% है ठीक है, तो वही हम लेंगे ठीक है। आगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना परसेंट है 0.03, तो हम उतना ही लेंगे, जितना होगा उतना ही ले लीजिएगा, क्या दूसरे मतलब पैसा ले लीजिएगा, तो पैसा कहाँ से देगा, रहेगा तो ना देगा कोई ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम बाहर छोड़ते हैं, हम नाइट्रोजन लिए 78%, तो जितना लेते हैं नाइट्रोजन उतना छोड़ देते हैं, नाइट्रोजन का हम शरीर में कुछ करते नहीं सिर्फ लेते हैं उसके बाद उसको हम छोड़ देते हैं, तो नाइट्रोजन हम कितना परसेंट छोड़ दिए 78 यानी 78% छोड़ दिए। ऑक्सीजन इसमें थोड़ा सा चालक गड़बड़ी होता है, इसमें क्या होता है लिए थे कितना 21 और छोड़े कितना 17, कितना छोड़े 17, लिए कितना 21 और छोड़े कितना 17, इसमें 4 का हम बचत कर लेते हैं। तो लेकिन ये बचत होता है क्या, देखिए CO2 कितना परसेंट लिए थे 0.03%, लेकिन छोड़ कितना दिए 4%, छोड़ कितना दिए 4% छोड़ दिए ठीक है, यानी 4 का अंतर होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लिए कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं श्वसन मार्ग, किस चीज को देखते हैं श्वसन मार्ग, यानी सांस लेने का जो रास्ता होता है, सांस लेने का जो रास्ता होता है यानी श्वसन मार्ग, उसके बारे में आगे ध्यान से देखते हैं। देखिए ये आपका फिगर है, फेफड़ा का फिगर है, किस प्रकार से हम सांस लेते हैं और कहाँ पे क्या अंग है उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तब तक पहले हम यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं जो हम लोग सांस का प्रक्रिया होती है हमारी वो 10 प्रकार की होती है, कहाँ 10 स्टेप से गुजरना पड़ता है सांस लेने का, सांस का जो मार्ग होता है। देखिए जो सबसे पहला मार्ग होता है नासा छिद्र होता है, क्या होता है नासा छिद्र, नासा छिद्र होता है ये जो नाक है ना, नाक देखिए नाक जो होता है नेवज होता है, नाक में जो देखिए छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, नाक में क्या होते हैं छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, तो नाक में जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं उसका कारण क्या है। देखिए जो हम सांस के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ धूल कण भी आते हैं, तो ये जो छोटे छोटे बाल नाक में पाए जाते हैं वह क्या करते हैं उस बाल को चिपका लेते हैं, उस बाल को क्या करते हैं चिपका लेते हैं ठीक है, चिपका लेते हैं ठीक है। तो ये नासा छिद्र का काम है, किसका काम है नासा छिद्र, नासा छिद्र का काम क्या है छोटे जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं उस बाल को ही नासा छिद्र में ये जो धूल कण बाहर से हम सांस के रूप में आते हैं वो जो बाल होते हैं वो बाल उस धूल कण को चिपका लेते हैं ठीक है। आगे देखते हैं नासा का पाठ, नासा का पाठ क्या होता है, नासा का पाठ यहाँ पे होता है, देखते कभी मैं यहाँ पर कस के रहा झंझना देता है, यही होता है नासा का पाठ ठीक है। नासा का पाठ के अंदर, नासा का पाठ के अंदर एक देखिए चिपचिपा पदार्थ होता है, क्या होता है एक चिपचिपा उजला टाइप का पदार्थ होता है, कभी कभी आप इसे देखिए नाम कीजिएगा ना तो उजला उजला निकलेगा, तो ऐसा नहीं कि सर्दी हो ले तो नहीं, उसे म्यूकस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं म्यूकस, क्या कहते हैं म्यूकस कहते हैं ठीक है। तो देखिए नासा का पार्ट के अंदर देखिए म्यूकस होते हैं, नासा का पार्ट का काम क्या होता है जो बाल
जो बाल जो ही होते हैं नासा छिद्र में, जो बाल कुछ ढूंढ कर को चिपकाते हैं, कुछ ढूंढ कर बाई चांस वहां से उनसे छूट जाते हैं, तो नासा का पार्ट क्या करता, उस चीज को वहां पे चिपका लेता है। ल्यूकस क्या होता है, उस चीज को वहां पे चिपका लेता है, ठीक है, चिपका लेता है। और सप्ताह बाद हुआ जब सूख जाता है, ठीक है, जब साफ जैसे 1 दिन 10 दिन जब होता है वो क्या होता है, सूख जाता है। तो सूख जाने के बाद हम लोग उसको नाक से खपर के नापी के रूप में निकाल देते हैं, आया समझ में। तो ये था आपका नासा का पार्ट, नासा छिद्र। एक बार से फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, नासा छिद्र यानी नाक में जो मैं छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं उसका काम क्या है, वो जो धूल कण सांस के रूप में हम लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, अगर धूल कण आता है तो उसको चिपका लेता है कि हमारे शरीर में गंदगी ना जाए। लेकिन बाई चांस अगर उससे कुछ छूट जाता है तो यहाँ पर नासा का पार्ट ये होता है, नासा का पार्ट इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उजला टाइप को, जिसको म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। तो जो म्यूकस होता है, वो म्यूकस जो होता है उजला का पदार्थ, वो क्या होता है, जब 7 दिन 7 सप्ताह बाद जब वो सूख जाता है, तो सूख जाता है हम लोग नाक में उंगली डाल के देखते हैं, आप लोग बच्चा में करते हैं अभी भी करते होंगे, क्या होता है नाक में उंगली डाल के उसको खाखोर के हम लोग निकाल देते हैं नापटी के रूप में, क्या करते हैं नापटी के रूप में निकाल देते हैं। तो ये था आपका नासा का। चलिए बाद में देखते हैं ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है आप देखिए, हल्लक होता है ना, तुम्हारा हल्लक में हल्लक खींच लेंगे यानी बोली हल्लक, यहाँ जो होता है अंदर हल्लक, देखिए दो काम होता है, हल्लक से ही दो काम होता है, सांस भी हम लोग हल्लक से लेते हैं और खाना भी खाते हैं तो हल्लक ही द्वारा जाता है, ठीक है। तो ये होता है हल्लक, ठीक है, ग्रासनी। स्वर तंत्र, स्वर तंत्र इसको बोलते हैं, स्वर तंत्र इसको बोलते हैं, देखिए जब इसको दाब लेंगे तो हमारा आवाज ही नहीं निकलेगा, इसको दाबते देखिए तो क्या होता है आवाज ही नहीं निकलता। तो ये होता है स्वर तंत्र, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वॉइस बॉक्स बोलते हैं स्वर तंत्र, ठीक है। आगे देखेंगे स्वास्थ्य, यहाँ के बाद श्वास कहाँ जाता है, श्वास नली में जाता है, श्वास नली, देखिए यही श्वास नली है, क्या है श्वास नली, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेकिया भी बोल सकते हैं, श्वास नली क्या बोलते हैं ट्रेकिया बोलते हैं, यानी श्वास नली में जाता है। देखिए तो यहाँ पे आता है, तो उसके बाद देखिए ये क्या है आखिर में, ये तो देखिए ये जो पैंप है ये क्या है पैंप है, अगर पैंप है और पैंप में आप कलंकू नहीं लगाइएगा तो यहाँ पे क्या कहता है कड़ी नहीं लगाइएगा, तो अगर हम सांस लिए तो क्या हुआ सिकुड़ गया, तब उठेगा वो तो चिपक गया नहीं, तो इसलिए इसको लगाया जाता है कलंकू के रूप में, समझे क्या होता है कलंकू के रूप में इसमें लगाया जाता है। क्या होता है तो देखते हैं पतला टाइप का जो, तो पतली टाइप का जो हड्डी होता है, कड़ा हड्डी नहीं जो मुलायम हड्डी होती है वो ये होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से श्वसन आते हैं, यहाँ पे श्वसन आने के बाद देखिए यहाँ पे दो भागों में बट गया, यहाँ से श्वास लेने का जो पार्ट आता है उसके बाद क्या होता है दो भागों में बट जाता है। तो जो दो भागों में बटा है किधर इधर एक इधर इधर, ये जो बटा भागों में उसको ब्रोंकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रोंकी, क्या बोलते हैं ब्रोंकिया, क्या बोलते हैं ब्रोंकिया, ब्रोंकिया बोलते हैं, ठीक है ब्रोंकी बोलते हैं ब्रोंकिया, ठीक है। ये ब्रोंकिया में बट गया, उसके बाद देखिए ये देखिए इस टाइप के, इस टाइप का जो निकला हुआ है, निकला हुआ इस साइड का निकला हुआ है उसको हम लोग ब्रोंकिलियस ब्रोंकिलियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रोंकिलियस, ठीक है ब्रोंकिलियस बोलते हैं। यहाँ पे हो गया, उसके बाद देखिए ये जो इस प्रकार का फेफड़ा का जो चित्र बना उसमें देखिए दोहरी झिल्ली होती है, क्या होती है दोहरी झिल्ली, इस दोहरी झिल्ली को हम लोग प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। और ये देखिए सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये जो गाज की आकृति का आपका बना हुआ है इसको बोलते हैं एल्वियोली, क्या बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली का हिंदी होता है वायु कोष्ठक, यानी सांस इधर से आकर संक्रिया करके यहाँ पे आके जमा होती है, क्या होती है यहाँ पर आकर जमा होती है एल्वियोली में। तो ये तो अभी देखिए ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकियस हो जाए यहाँ पे एल्वियोली, और एल्वियोली में क्या होता है एल्वियोली के पास में ही ब्लड बैठा हुआ रहता है, ब्लड क्या होता है बैठा हुआ वहीं पे रहता है, ठीक है। ये था ब्लड, ब्लड जाता है, ब्लड से फिर ब्लड क्या होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो किसको देता है कोशिका को देता है, किसको देता है कोशिका को देता है यानी सेल को, और सेल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को देती है, किसको देती है माइटोकॉन्ड्रिया को। और आप लोग जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्रेब्स चक्र चलता है, क्या चलता है क्रेब्स चक्र चलता है, और वो जो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वहाँ से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वहीं से फिर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर बाहर की ओर जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया होती है। ये था आपका श्वसन मार्ग, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, ग्रासनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोंकिया, ब्रोंकियस, एल्वियोली, ब्लड सेल। तो इस प्रकार की क्रिया होती है। फिर से इसको देख लीजिए, जो एल्वियोली है यह मेन पॉइंट है, इसके बारे में हम
इसको आप तब तक नोट करें, फिर इसके जो अगला इसके बाद जो हम अभी आपको अगला सिलेक्ट लेकर आ रहे हैं उसमें आपको विस्तार रूप से एलवीओडी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आखिर में जो हम लोग श्वसन लेते हैं वो किस प्रकार से कहाँ जाता है कैसे क्या, देखिएगा नासा क्षेत्र नासा का पार्ट ग्रास्मी स्वरतंत्र श्वासनली ब्रॉन्चियल ब्रॉन्चियस एलवीओली ब्लड ऑक्सीजन। देखिएगा एक बात और यहाँ पे देखिए डायफ्राम, देखिए हमारे शरीर में सांस लेने में 70% भूमिका डायफ्राम की होती है। किसकी होती है? डायफ्राम की होती है। देखिएगा होता क्या है, इस फेफड़े के पास इतना दम नहीं है कि ये सांस को बाहर निकाले, सांस को बाहर निकाले। होता क्या है, जो शुद्ध देखिए ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो शुद्ध रूप से तो रहता ही नहीं, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन बहुत भारी होता है, उसमें बहुत मात्रा मिली होती है, इसके स्वस्थ स्वच्छ वास में मैंने आपको बताया उसके बारे में। देखिए तो होता क्या, जब हम सांस लेते हैं, जैसे सांस हम लिए, सांस लिए तो अब सांस क्या होता है, अपने से फेफड़ा को हिमते नहीं कि इसको बाहर फेंके, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करे, तो क्या करता है, बोलता है भाई डायफ्राम होते धक्का देना धक्का देना धक्का देना, तो यह क्या करता है, धक्का देता है तो इधर से मारता है चिक, तो इधर से मारता है क्लियर से निकल जाता है। यानी डायफ्राम जो है 70% भूमिका निभाती है श्वसन क्रिया में। अगर डायफ्राम काम करना बंद कर दे, देखते कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी गिरा छत ऊपर से गिरा और एक मर गया, और हाथ उसने टूटा माथा तो खून नहीं गिरा मर गया, होता है क्या वो डायफ्राम में टूट गया, जैसे गिरा बस डायफ्राम में टूट गया, तो जो डायफ्राम टूट जाता है तो क्या होता है उसका जो सांस देने का जो क्रिया होता है वह रुक जाता है। जैसे देखते हो फिल्म उलिम में मार दिया, हीरो मार दिया, किलिक्सन को मार दिया, तो क्या होता है मारता है बस चोट लग गया बस मर गया, होता क्या उसका जो डायफ्राम होता है डायफ्रेम में टूट जाता है। और डायफ्रेम जो होता है गुद्दा टाइप का होता है, वो टूट जाने के कारण, वो टूट जाने के कारण क्या होता है जो फेफड़ा है फेफड़ा कितना दम ही नहीं खुद से सांस को बाहर करे, जब सांस अगर बाहर निकल जाए तो कितना लेते रहेगा, इसे कैसे लेते रहेगा, इसे होते रहेगा नहीं, सांस को छोड़ना भी जरूरी है, सांस यानी छोड़ते ही लेते हैं, तो ये जो डायफ्राम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए डायफ्राम। और देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मन में आता हो कि ठीक है हम लोग का जो डायफ्राम होता है यहाँ पे नीचे होता है, कहाँ होता है, इस फेफड़ा के नीचे होता है, ये क्या करता है थोड़ा धक्का देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो कभी कभी ये मन में भी आता होगा कि सर जो ये डायफ्राम जो होता है तो सिर्फ लड़के में होता है, लड़कियों में, देखिए दोनों में होता है, लेकिन दरअसल लड़कियों में होता है तो गर्भवती जो महिला होती है तो उसका कहाँ होता है, वो कहाँ होता होगा, उसका तो पेट ही तो वहाँ फेंक ले रहता है, उसका जो पेट वहाँ पे तो लड़का रहता है, तो उसका तो डायफ्राम काम नहीं करेगा, बिल्कुल उसका डायफ्राम काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे एक बच्चा है, तो जो बच्चा होता है उसका तो वजन खुद भारी है, तो डायफ्राम वहाँ पे काम कैसे करेगा, तो डायफ्राम जब नहीं काम करता तो गर्भवती महिला जो इधर पसलियाँ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जो पसलियाँ होती है, ठीक है, तो ये पसलियाँ उस समय उससे काम करती है, पसलियाँ जो फेफड़े उठने में मदद करती है। और बाय चांस अगर किसी कोई गर्भवती महिला है उसका पसली टूट गया तो उसका क्रिया खत्म, क्योंकि एक तो उसका डायफ्राम काम करना बंद कर दिया था और दूसरा से अभी उसका पसलियों टूट गया तो क्या होगा उस क्रिया में माँ बेटा दोनों के खिलाफ दोनों के जान पर जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए इस डायफ्राम को हमें स्वच्छ रखना चाहिए यानी बचा कर रखना चाहिए, गिरते उड़ते हुए तो बच्चे गिरना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये था डायफ्राम का काम। अब इसके अगले स्लाइड में मैं आपको एलवीओली के बारे में बताता हूँ कि ये जो हम लोग यहाँ से हम लोग लेते हैं, ये जो देखिए ग्रासनी था, ग्रासनी में देखिए क्या बताया कि खाना भी जाता है हवा भी जाता है, तो अब हम ग्रासनी को मेन पॉइंट पर लेके आएंगे, देखिएगा मजा आया, तब तक इसे आप स्क्रीनशॉट करें या नोट करें।